चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका, और पहला विषय है शिमला की संजोली की मस्जिद का विवाद। जी हाँ, शिमला के संजोली इलाके में एक मस्जिद है और इसे लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि मस्जिद में नियमों को ताक पर रखकर चोरी छुपे अवैध निर्माण किया गया है। मस्जिद की 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। हिंदू संगठनों की मांग है कि मस्जिद को गिराया जाए, तो वहीं तमाम मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच हिंदू संगठनों ने आज शिमला में इस मस्जिद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस और पब्लिक के बीच खूब संघर्ष भी हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी, लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की ओर मार्च करते हुए हिमाचल ने ठाना कि देवभूमि को बचाना है, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भिड़ंत में प्रदर्शनकारियों के अलावा कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मस्जिद का मामला कोर्ट में है, अगर निर्माण अवैध पाया गया तो फिर एक्शन होगा। सुनिए, जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी। मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें, कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांतिप्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। और सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का, इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है, ये
स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं, और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं, और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। आज हिमाचल प्रदेश से कई सारी तस्वीरें आईं जिसमें हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार ने धारा लगाई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोले और पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए। मामला एक मस्जिद का, और आपको बता दूं कि यह मामला कोई नया मामला नहीं है, ताजा मामला नहीं है, बल्कि यह मामला 14 साल पुराना है। 14 साल पुराना यह मामला है और अब जाकर यह धीरे धीरे आग पकड़ रही है। इसे लेकर हमने एक सर्वे कराया, सर्वे में कई सारे सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा कि शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे परिसर पर एक्शन होना चाहिए। 36% लोगों ने ऐसा कहा। 41% लोगों ने कहा कि अगर अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलना चाहिए जैसा कि सरकार कह रही है। 11% लोगों ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। 7% लोग कह रहे थे कि मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार मानते हैं। 31% लोगों ने कहा राजनीतिक संरक्षण इसका जिम्मेदार है। 57% लोगों ने कहा नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है कि वहां मस्जिद बनी और मस्जिद बनने के बाद लगातार 5 मंजिला अवैध निर्माण हो गया, और 5% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता, विवेक शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, मैंने आपको 2 सवाल बताए, लोगों ने अपनी राय दी है, आज देश भर ने हिमाचल प्रदेश में बवाल देखा, और बवाल के बाद जो प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष की आई है वो भी सबने देखा, आप क्या मानते हैं? आपने सर्वे का जिक्र किया जी, मैं आपकी ध्यानात करूं, जो सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो आप पूछना भूल गए, वो था महिलाओं के साथ वहां पर हो रही अभद्रता। और जो मस्जिद का विषय आया है इसे एक धार्मिक कलर देने का प्रयास किया जा रहा है जी। इसकी वास्तविकता ये है कि उन महिलाओं से अभद्रता करने के बाद शरण लेने का स्थान बन गया है मस्जिद, जहां लोग दिन में फड़ी लगाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ ठीक तरह से पेश नहीं आते हैं, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के पार्षद ने भी की है। पर सरकार की सबसे बड़ी विफलता है ईव टीजिंग को लेकर के, जो रिएक्ट उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने इसी को लेकर के आज का प्रदर्शन था, और इस प्रदर्शन को रिलीजियस कलर देने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया है। कांग्रेस वास्तविकता में मैं कहूंगा मूर्खों की सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो दिन में जनेऊ पहनती है, रात को बुर्का पहन लेती है, और जिस समुदाय को ये संरक्षण दे रही है उनकी शिक्षा मदरसों में होती है, और उनका संरक्षण मस्जिदें देती हैं, और उनके मुकदमे कांग्रेस लड़ती है, ये हकीकत है। विजय कौशिक साहब, दिन में जनेऊ पहनते हैं और रात को बुर्का पहन लेते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये भाजपा का चरित्र है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इसके अलावा इनका नहीं कोई काम, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है और अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है, ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। अभी आपने बताया कि मस्जिद का विवाद आज का नहीं है, 12 साल पुराना है, तो भैया क्या पहले बीजेपी की सरकार चुल्लू भर पानी में डूब मरी थी कि जो कार्यवाही नहीं हुई? दूसरी चीज, राम मंदिर निर्माण के लिए जो केस चला कोर्ट में उसकी पालना सभी ने की, ज्ञान व्यापी का जो मामला कोर्ट में चल रहा है सभी उसकी वो पालना कर रहे हैं। अगर इसके अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट जो आदेश करेगी, हम वादा करते हैं, हम दावा करते हैं कि हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे, कोर्ट कहेगी इसे जमींदोज कर दें तो हम इस मस्जिद को इसका नामो निशान मिटा देंगे। विवेक शर्मा जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप तो इस वक्त हिमाचल में ही बैठे हुए हैं, मेरे जहन में एक सवाल है, क्यूरियोसिटी भी है कि ये मामला, मेरी जहां तक जानकारी, ये मामला 14 साल पुराना है। 14 साल पहले एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने लाठियों से, रॉड से मारा, और मारने के बाद वो इस मस्जिद में छुप गए।
जब शिकायत शिकवा भी हुआ तो ये समझ में आया कि भाई ये मस्जिद में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, और तब से ये मामला चल रहा। उसके बाद शिकायत हुई, अवैध हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सरकार तो अभी हाल ही में बनी है, उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पहले 5 साल आपकी सरकार थी, अगर ऐसा ही था तो कार्रवाई करके गिरा दिया जाता, 5 साल तक काहे नहीं गिरा है? ये जो विजय कौशल जी नए नए मुसलमान हुए हैं ना, ये अल्लाह अल्लाह बहुत कर रहे हैं। मैं इन्हें ये समझाना चाहता हूँ, ये मुकदमा 14 साल से चला है, 45 पेशियां लग गई। हम अदालत के विषय पे नहीं जाना चाहते, वो निर्णय अदालत ने करना है कि बुलडोजर इन्होंने घुमाना है कि अदालत ने घुमाना है उसके ऊपर, या किसी और ने घुमाना है। हम उसके ऊपर बुलडोजर घुमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहां पर जो वेंडर्स बैठते हैं वो वहां की स्थानीय महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद शरण के लिए कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की गई संस्कृति, जिसे मस्जिद कहा जाता है, उसकी शरण में चले जाते हैं। वहां से यह मामला प्रारंभ हुआ है, और उसको दबाने के लिए 19 महीने से जो कांग्रेस की सरकार उनका पालन पोषण कर रही है, और इनके जो पालतू मंत्री हैं, दो मंत्री जिनमें इस बात की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि हिंदूवादी कौन, विक्रमादित्य या वो अनिरुद्ध, ये इनका आपसी समस्या है, ये हिंदू टैग लगा करके जीना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो दिन में विवेक जी, असल में आपके जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हों, अनुराग ठाकुर हों, या तमाम राष्ट्रीय नेता हों, वो भी, और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग, वो भी बात कर रहे हैं मस्जिद वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो तोड़ दिया जाए, वैध है तो छोड़ दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद अवैध, ये कहा गया कि इतने सालों में 5 मंजिला अवैध मस्जिद क्यों बन गई, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि अवैध है। तो हम कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आई थी ना, क्योंकि पूरे देश भर में बुलडोजर चल रहा है, आप भी बुलडोजर चला के मामले को खत्म करते। देखिए, जहां तक मस्जिद को बुलडोजर चलाने का विषय आता है, वो अदालत का निर्णय आने दीजिए, चाहे इनकी सरकार में आए या किसी और की सरकार में आए, उसमें निर्णय होगा। और दूसरा विषय, जो ये मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा रहे हैं मुझे, मैं इनके इनके दांतों पे ही लिख देना चाहता हूँ बड़ी सुंदर लफ्जों में, कि श्रीमान आप में हिंदुओं की महिलाओं के साथ बदतमीजी, मदरसों की शिक्षा और मस्जिदों में अपराध का संरक्षण हिमाचल में नहीं होने दिया जाएगा। आपकी तरह रात को हम अदालतें नहीं खुलवाएंगे। मैं बता दूं, जिस तरह से इनके इनके जाके नेता रात के अदालतें खुलवा देते हैं दिल्ली में, मिस्टर ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हिमाचल की महिलाओं को अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, और ये बिल्कुल नहीं होने देगा। और ईंट से ईंट बजा देंगे। सुक्खू का जो दो मुहा सांप का चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है, और उसको हम ये बता देंगे। और ये आप इसको मत समझिए कि ये मात्र एक शिमला के एक कॉलोनी तक का इशू है, ये पूरे प्रदेश का इशू है और पूरे प्रदेश में जाएगा। सवाल है कि और इतना गंभीर विषय, विजय कौशिक साहब, इतना गंभीर विषय विवेक जी उठा रहे हैं और आप दांत दिखाने, बताइए आप। नहीं देखिए, मेरे मुस्कुराने की वजह ये थी कि जो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ही नहीं मालूम कि भाई ये बोल क्या रहे हैं। मुझे उसके ऊपर हंसी आई। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने इनसे सवाल पूछा कि भी बीजेपी की सरकार में क्यों नहीं गिरा दिया गया, तो ये कह रहे हैं कि 14 साल में 45 पेशियां, 14 साल में 45 पेशियां, मकान तोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां पर बिना सोचे समझे मकान तोड़ दिया जाता है कि साहब अवैध था इसलिए तोड़ दिया। अभी गुजरात में तोड़ा, गुजरात में जिन लोगों ने पत्थर फेंके वहां पर भी तोड़ दिया गया, फिर अदालत का इंतजार क्यों नहीं किया गया? अगर हम रोक थोड़ी रहे हैं, हम कह रहे हैं कांग्रेस चलवा ले। अच्छा, आपने क्यों नहीं चलाया? अगर अवैध है, 5 मंजिला अवैध निर्माण हो गया, तो 5 साल तो आपके भी थे ना, काहे नहीं चलवा दिया? हमारे समय में वहां पर एक मस्जिद थी जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था, और उसके भीतर कोई आपराधिक गतिविधि उस समय नहीं हो रही थी। अगर उस समय तो हमने उसका ऑपरेशन कर दिया होता। सुनिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने यह कहा कि कांग्रेस के नेताओं में हिंदूवादी होने की लड़ाई चल रही है। इन्होंने ज्योतिरादित्य भाई का भी जिक्र किया, इन्होंने जो हमारे मैं गलती से बोल गया, वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र का आपने जिक्र किया और हमारे दूसरे नेताओं का जिक्र किया कि उनमें आपस में हिंदूवादी होने की लड़ाई चल रही है, यानी कि वो हिंदुओं की बात को अच्छे ढंग से उठा रहे हैं, हिंदुओं की लड़ाई अच्छे से लड़ रहे हैं,
इस बात को भाजपा भी स्वीकार कर रही है तो फिर परेशानी क्या है? अरे भाई मुस्लिमवादी तो है। अब परेशानी सुन लीजिए ना, परेशानी ये है कि उनको आपके दिल्ली दरबार के नेता, विशेषकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनको धमका रहे हैं हिमाचल में, और उसी का नतीजा आज सामने आया है, और ये नतीजा आपको राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगा। ये नतीजा सामने आया और ये नतीजा बहुत कुछ कहता हुआ नजर आएगा। सर्वे का तीसरा सवाल जो एक और हमने लोगों से पूछा कि संजौली में धारा 163 लगने के बावजूद इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? 29% लोगों ने कहा पुलिस की लापरवाही थी, 39% लोगों ने कहा प्रशासन की अधूरी तैयारी है, बाकी के 29% लोगों ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों की एकजुटता है, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, वक्फ पर लग रहे संपत्ति कब्जे के आरोपों पर आपकी राय है? 61% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही आरोप लग रहे हैं वक्फ पर, 26% लोगों ने कहा आरोप गलत है, और 13% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। बताएं कौशिक साहब। तो बड़ी बात यह है, अभी भाई साहब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, जो केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर भी आरोप है कि उसमें तमाम तरह के अवैध निर्माण हुए पड़े हैं। इसके अलावा निजामुद्दीन मरकज को लेकर आरोप है, देश की तमाम मस्जिदों को लेकर आरोप है। तो भाजपा की सरकारों सोई क्यों पड़ी है? क्यों नहीं उनके बुलडोजर चल रहे? क्यों मोदी जी उनका विश्वास जीतने की बात करते हैं? क्यों तमाम तरह की विजय कौशिक साहब चाहे सरकार आपकी हो या सरकार विवेक शर्मा जी की हो, अवैध निर्माण भी चुन चुन कर ढूंढे जाते हैं। अवैध निर्माण पर एक छोटी सी बात कहूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली है ना, दिल्ली में लुटियन जोन है ना, लुटियन जोन में ऐसा कोई बंगला नहीं है मंत्रियों का और बड़े अधिकारियों का जिसमें नियमों से परे जाकर अवैध निर्माण नहीं कराया हो। अगर जांच हो जाए ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी बड़े नेता बैठे और अधिकारी बैठे हैं सबके निर्माण तोड़ने पड़े, लेकिन जनाब वहां नहीं होता क्योंकि वो नीति निर्धारक है, वो जो करेंगे वो अवैध नहीं होता। विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, अगर वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जे कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर रोक लगनी चाहिए। एक डाटा पोर्टल पर प्रकाशित होना चाहिए कौन सी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं, कौन सी नहीं। आप बहुत आगे निकल गए। विवेक शर्मा जी का यह कहना है कि वो अदालत फैसला तय करेगी कि अवैध निर्माण है कि नहीं, हम भी इस बात को मानेंगे कि कोर्ट को तय करने दो, लेकिन वहां पर जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, अपराधी बदतमीजी कर मस्जिद में छुप जाते हैं, अपराध करके मस्जिद में छुप जाते हैं, 14 साल भी पहले भी एक ऐसे ही अपराध हुआ था, उसके बाद अपराधी मस्जिद में छुप गए, तो वहां जो अपराधियों का अड्डा हो रहा है कम से कम वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और उसे अपराधियों का अड्डा ना बनाया जाए, वो धर्म का स्थान है तो धर्म का स्थान रहने दिया जाए। इसमें सरकार और पुलिस को कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होती है, इसमें कौन कहता है? अगर कार्रवाई होती तो इतना बड़ा जलसा नहीं होता ना। सुनिए मेरी बात भाई, जिसको शिकायत है उन्होंने कंप्लेंट दी होगी, भाजपा के नेता उन कंप्लेंटों को पेश करें और ये साबित करें कि उन पर कार्यवाही नहीं हुई। झूठ फैलाना बीजेपी का प्रमुख धंधा है विवेक जी, और भीड़ तो भीड़ तंत्र है। विजय कौशिक जी ने हिमाचल की ना सरकार से बात की है ना कहीं और से बात की है, वहां पर जो उनकी व्यवस्था कमेटी है, मस्जिद की व्यवस्था कमेटी, उन अपराधियों ने उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। आज हिमाचल का मुस्लिम समाज, विशेषकर संजौली का मुस्लिम समाज, वो हिंदू समाज के साथ खड़ा है, क्योंकि बहन बेटियां सबकी सांझी होती हैं, उनको भी वो परेशान करते हैं। यहाँ हालत इतनी बदतर हो गई है, और हमें ये समझ नहीं आता, वहां पर लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते रहे, पुलिस प्रशासन ने जब कोई हरकत नहीं की तब आंदोलन में आया। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था। विजय जी आप पहले तसल्ली से सुन लीजिए, ये सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया है। असल में क्या है ना विवेक जी, क्या है विवेक शर्मा जी और उनकी पार्टी का ये आरोप है कि सामाजिक आंदोलन में बाकी कोई सामाजिक परेशानी आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन सामाजिक आंदोलन में जहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला हो रहा हो ना, वहाँ पे आप बहुत प्राथमिकता से आप आ जाते हैं और इतना बड़ा जलसा कर देते हैं। अगर ये ऐसी स्थिति थी
तो मुझे लगता है कि आज जो भीड़ ने एक संकेत देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तो कई दिनों से संजोली का मामला चल रहा है, मीडिया में आ रहा है, कई सारी तस्वीरें आ रही है, वो तो अवैध मस्जिद बनी है और 14 साल से बन रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, केवल यही विषय आ रहा है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो अब निकल कर आया, ये विषय गलत निकल के आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वो सामाजिक समस्या है। आप ही के नेता, आप ही के नेता बार बार मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं कि अवैध मस्जिद बन गई है और इतने साल से अवैध मस्जिद बन गई है, 5 मंजिला खड़ी हो गई है। वो उसका भी मैं उस विषय पे भी आता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले बता रहा हूँ ये सामाजिक समस्या थी और सरकार जब तक उसके उसको संजीदगी से देख रही थी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से लेकर के सड़क तक हम इनके साथ खड़े थे। हमने कहा, हमने अनुरुद्ध जी की तारीफ की, हमने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, हमने कहा उनके निर्णय के साथ हैं हम। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली दरबार के कारण उसका रुख बदला और अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो गई, तो हमें मजबूरी में सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ा। रहा प्रश्न अवैध मस्जिद का, फटाफट जल्दी से जवाब दे दीजिए, एक मिनट में। देखिए सीधा सा जवाब यह है, अभी भाजपा प्रवक्ता ने खुद माना है कि वहां जो चंद मुस्लिम गुंडागर्दी करते हैं उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ जो अन्य मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू संगठनों के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हैं। और मैं बिल्कुल खड़े हैं, तो यानी कि बात चंद असामाजिक तत्वों का है मामला और उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी अगर वहां के स्थानीय कांग्रेस कह रही है कड़ी कार्रवाई होगी और विजय जी कह रहे हैं कि नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में संकेत जरूर निकल कर आएगा और उम्मीद करते हैं कि शायद इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होता तो सरकार के कान भी खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो विजय शर्मा और उनकी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन करेगी। उन अपराधियों के संरक्षण में इनके एक मुस्लिम सांसद के दबाव में सरकार आ गई, दिक्कत यह है। आज अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो आगे आने वाले समय में क्या ऐसी स्थिति होगी और नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो फिर हम ये सवाल उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी का, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी का जो मेरे साथ बने रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। दिल्ली में CJI DY